दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राहु मार्स की युति पे वीडियो बना रहा हूं। मानव जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर आने वाला है, ना केवल इंडिया पे, विश्व पे इसका असर आने वाला है। हर कंट्री के चार्ट में इसका अलग अलग हाउस में प्रभाव पड़ेगा, तो उसका सबका बताना मुश्किल है, लेकिन इतना एज ए जनरल बता सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में बहुत ऊंचाई नीचाई आएगी और बहुत नीचे भी गिर सकती है मार्केट इन दिनों में, जब शनि मंगल, शनि और राहु, मार्स और राहु की युति होगी। बट एज ए इंडिविजुअल आपके हॉरोस्कोप में क्या प्रॉमिस और आपके लिए क्या प्रभाव लेके आया, इस पर वीडियो बना रहा हूँ। स्कॉर्पियो राशि तक का बना चुका हूँ वीडियो, अब बारी करता हूँ आज सैजिटेरियस धनु राशि पे, इसका क्या प्रभाव आने वाला है। दोस्तों, धनु राशि में जो रिसेंट अभी मूवमेंट हुई है, शनि इनका थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है, 27 जून को भी यही है, राहु मंगल की युति पंचम भाव पे, यहाँ शेयर मार्केट से जुड़े कुछ मसले आपके सामने जिंदगी में आने वाले हैं। शेयर मार्केट से लेके कुछ हेर फेर होगा, कुछ दे भी सकता है कुछ ले भी सकता है, क्योंकि राहु मंगल की युति है, बुरे प्लैनेट कई बार दे भी जाते हैं पंचम भाव में। पंचमेश होकर मंगल वहीं बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है इधर, तो पिछले जन्म पूर्व जन्म के कुछ फर्म कर्म है वो भी सामने आएंगे। कहीं ना कहीं बावे घर का लोड होकर मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कुछ दुर्घटना भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चूंकि ये संतान का घर है, तो संतान के घर में कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट इसका आ सकता है। सैजिटेरियस राशि के लिए थोड़ा लिमिटेड इम्पैक्ट है, बट पंचम भाव इनका प्रभाव में रहने वाला है, और पंचम भाव से जुड़े और 12th हाउस का लॉर्ड है मंगल, वो मुद्दे आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके सामने आने वाले हैं। बॉडी में देखा जाए तो पंचम भाव आपके लोअर एब्डोमेन को बताता है, तो वो आपके लिए एक सीरियस कंसर्न रहेगा, क्योंकि पंचम भाव लोअर एब्डोमेन है और शनि की भी दृष्टि वहाँ पड़ रही है, तो उसका ध्यान रखिएगा उससे संबंधित, क्योंकि मंगल सर्जरी भी है और राहु प्रॉब्लम है, शनि इट्सेल्फ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्वास्थ्य को लेके, तो लोअर एब्डोमेन या एब्डोमेन पे इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, उसका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ आपसे मकर राशि की। मकर राशि के लिए बहुत ही, मैं जिसे कह सकता हूँ, थोड़ी सीरियस स्थिति है, जैसे वर्गो के लिए बोला, एरिस के लिए बोला, मैं तुला के लिए भी थोड़ा बोला था, स्कॉर्पियो के लिए भी बोला हूँ। यहाँ पे क्या है, गोचर में इनका चतुर्थ भाव राहु और मंगल से दृष्ट है, अब ये पेरेंट्स के घरों को दोनों को प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा, देखो पिता का घर 9th हाउस है, उससे अष्टम भाव में राहु मंगल की युति है, तो पिता का मृत्यु स्थान है, उस पर तीसरी दृष्टि से शनि भी देख रहा है। सो पिता के लिए जिंदगी में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, कोई जानलेवा बात हो सकती है, कुछ बड़ी दुर्घटना पिता के साथ हो सकती है, पिता की सावधानी बरतनी है। अब क्या खुद की? दूसरी बात क्या है, ये मदर का घर भी होता है राहु मंगल जहां बैठे हुए, मदर के लिए भी कोई इश्यू, सीरियस इश्यू खड़ा कर सकता है, शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है, तो मदर को लेकर भी बहुत सीरियस इश्यू आ सकता है। पिता के लिए तो क्योंकि अष्टमेश भी बनता है मंगल, तो ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा बड़ा चढ़ा के ही दिखेगी मुझे, कुछ ना कुछ इसका बड़ा रूप ही दिखने वाला है। चूंकि मंगल यहाँ बड़े भाई बहन का घर का लॉर्ड बनता है चतुर्थ भाव में, तो बड़े भाई बहन के लिए भी, उसके लिए छठे घर में हो रही है युति, तो बड़े भाई बहन पे भी इसका कुछ ना कुछ बुरा इम्पैक्ट आएगा। चूंकि मकर लगन के लिए 4th हाउस मतलब आपका हार्ट की जगह बनती है, तो कुछ ना कुछ इमोशनल इश्यूज, कुछ हार्ट से रिलेटेड इशू, कुछ लंग से रिलेटेड इश्यूज इनको बहुत, मतलब क्या बोलूंगा, टैकल करने पड़ेंगे, और उस चीज का इनको विशेष सावधानी रखनी है उस 27 जून से लेकर 15 अगस्त के बीच में पीरियड। अब बात करता हूँ बड़े भाई दोस्तों का भी घर है, बड़े भाई बहनों के अलावा मकर लगन के लिए, तो उनके उनसे रिलेटेड भी कोई समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। अब सीधा एक्वेरियस राशि पे आता हूँ। एक्वेरियस राशि में तीसरे घर में ये युति हो रही है, बहुत बुरी नहीं कहूंगा, कुछ पराक्रम भी देगी, लेकिन चूंकि तीसरा घर आपके नेबर्स का है और आपके छोटे भाई बहनों का है, तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई इशू उस पीरियड में खड़ा हो सकता है, जो एक बड़ा रूप ले सकता है, आपको उस चीज को लेकर विशेष सावधानी रखनी है। वीनस, मरकरी, मार्स, मून 4th घर में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये योग से कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा का कवच मिला हुआ है। सूर्य की स्थिति भी बुरी नहीं है, तो मैं यहाँ शशि नाम का राजयोग बना हुआ है, बहुत बुरा नहीं कहूंगा, थोड़ी सावधानी। अब बात करता हूँ सीधा मीन राशि की। मीन राशि में राहु मंगल सेकंड हाउस में है और 12वें घर से शनि इसको देख रहा है, सो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में आप अपनी जुबान, क्योंकि वाणी का स्थान है, अपनी वाणी से कोई ना कोई
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकते हो, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली का भी है, फैमिली को लेके भी ये समय कुछ बुरा ही रहेगा, कुछ बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। हालांकि वीनस मर्करी मून इनके थर्ड हाउस में है, सूर्य इनके टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं, कुछ गोचर कोई बहुत बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी चूंकि सेकंड हाउस आपके धन का है, और क्या है यहाँ पे आपका पिता के घर का लॉर्ड भी बनता है मंगल, तो नाइन्थ हाउस का भी लॉर्ड बनता है, तो पिता को लेके भी कुछ इश्यू, धन को लेके कुछ इश्यू, विवाद खड़े हो सकते हैं, इस चीज़ की आपको सावधानी रखनी है। 45 दिन की युति है, सब राशियों के बारे में मैंने बताया, विशेष सावधानी रखनी है इस पीरियड में, क्योंकि आम जनमानस को हर एक को कहीं ना कहीं ये राहु मंगल की युति विचलित करेगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।